My name is Janat Rahi. I am student of class 8. Today's my presentation topic is about compound proportion. Compound proportion, what is compound proportion? Firstly, you know about proportion. Equality of two ratios is called proportion. For example, A ratio B is equal to C ratio D is equal to is called proportion. इसकी दो काइंड्स हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसके बारे में आपको बीना बताएगी. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ बीना ताईक. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. टुडे इज़ माय प्रेजेंटेशन अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है अगर हमारे पास एक क्वान्टिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी दूसरी क्वान्टिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, उसको डायरेक्ट कहते हैं. इसी तरह अगर एक क्वान्टिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वान्टिटी का डिक्रीज़ होना वो क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 12 एग्स लेते हैं तो इसके रुपीस होंगे 96. अब 80 रुपीस में हमारे पास कितने एग्स आएंगे? अब यहाँ पर हमारे पास 12 एग्स है, यहाँ पे हमारे पास रुपीस है 96. अब यहाँ पर रुपीस कम हो रहे हैं तो एग्स भी कम हो जाएंगे, तो ये हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. इसमें भी हम ले लेंगे अभी तक हमारे पास एग्स 12 हैं और रुपीज़ 96 हैं. आगे हमारे पास रुपीज़ ज़्यादा हो रहे हैं तो एग्स भी ज़्यादा, एग्जाम्पल गलत तो एग्स भी ज़्यादा हो रहे हैं. ये भी हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है. और इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल हमारी ये है. यहाँ पर हमारे पास मेंस 10 है और डेज हमारे पास 21 है. अब यहाँ पर हमारे पास मेंस ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और डेज ज़्यादा होंगे, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है. थैंक यू. होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.